मस्जिद अल कबलतीन मदीना की एक मस्जिद है जिसके बारे में मुसलमानों का ख्याल है कि वो जगह है जहां आखिरी इस्लामी पैगंबर मोहम्मद को किबला नमाज की समत को यरूशलम से मक्का तब्दील करने का हुक्म मिला था। मस्जिद सवाद बिन गनम बिन काब ने तामीर की थी और ये दुनिया की उन चंद मसाजिद में से एक है जिसमें मुख्तलिफ समतों में दो महराब किबला की तरफ इशारा करने वाले तक मौजूद है। 1987 में शाह फहद के दौर में मस्जिद को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम करके दोबारा तामीर किया गया। तामीर नो के दौरान यरूशलम का सामना करने वाला पुराना नमाजी मकाम हटा दिया गया और मक्का का रुख छोड़ दिया गया। मस्जिद कबा और मस्जिद नबी के साथ क़िबला तीन मस्जिद उन इब्तिदाई मसाजिद में से है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की हैं। इस बात पर गौर करते हुए कि मक्का और यरूशलम की अजीम मसाजिद इस्लामी फ़िक्र में पहले अंबिया से वाबस्ता है। ये मस्जिद मदीना की कदीम तरीन मसाजिद में से है और इसे सवाद बिन गनम बिन काब अल अंसारी ने इस्लामी साल में तामीर किया था और मस्जिद का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जमाने तक चला जाता है जब उनके साथियों ने इसका नाम एक वाकये के बाद रखा था। इसी साल 15 शाबान को हुआ जब मोहम्मद को अल्लाह की तरफ से वही मिली कि वो जोहर की नमाज के दौरान बैत अल मकदस की बजाय कबा को किबला बना ले जो कि यरूशलम में मस्जिद अक्सा थी। बाद में उन्होंने ऐलान किया। ये बात उनकी अपनी मस्जिद में अपने साथियों के सामने आई जिसके बाद ये खबरें फैलने लगें। हज के लिए मक्का जाने वाले बहुत से आजमीन अक्सर मदीना जाते हैं जहां कुछ इस मस्जिद की तारीखी अहमियत की वजह से जाते हैं। ये मस्जिद मदीना की कदीम तरीन मसाजिद में से है और इसे सवाद बिन गनम बिन काब अल अंसारी ने इस्लामी साल में तामीर किया था और मस्जिद का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जमाने तक चला जाता है जब उनके साथियों ने इसका नाम एक वाकये के बाद रखा था। इसी साल 15 शाबान को हुआ जब मोहम्मद को अल्लाह की तरफ से वही मिली कि वो जोहर की नमाज के दौरान बैत अल मकदस की बजाय कबा को किबला बना ले जो कि यरूशलम में मस्जिद अक्सा थी। बाद में उन्होंने ऐलान किया। ये बात उनकी अपनी मस्जिद में अपने साथियों के सामने आई जिसके बाद ये खबरें फैलने लगें। हज के लिए मक्का जाने वाले बहुत से आजमीन अक्सर मदीना जाते हैं जहां कुछ इस मस्जिद की तारीखी अहमियत की वजह से जाते हैं।